से आया हूँ, पिछले डेढ़ पौने दो साल से झारखंड में घूम रहा हूँ, 60 साल दे दी बेचारी तुमने सब ले लिया। लेकिन एक बात है जो इशारा करता है झारखंड कि इस बार झारखंड के अंदर वक्त है बदलाव का। आप इस बार सरकार, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस मंच से कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनेगी, महागठबंधन की बनेगी। ये मैं आपको जवाब दिलाना चाहता हूं। और जिस प्रकार से मेरे को आने बाहर से आने वाले एक व्यक्ति को विश्वास है, ऐसे आपको भी हर कार्यकर्ता को वोटर को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इस बार झारखंड के अंदर बदलाव करना है। और बदलाव जब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप लोग जमीन पर जाकर मेहनत नहीं करेंगे। जब तक पार्टी जिस प्रकार से पिछले 1.5 साल में खड़ी हुई है, कोई मेरा चुनाव जीता जिसमें कई लोग कहते थे कांग्रेस है ही नहीं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश इकाई ने बता दिया कि कांग्रेस झारखंड के अंदर मजबूत है और आने वाले समय में नेतृत्व भी करना पड़ेगा, नेतृत्व भी करेगी कांग्रेस सरकार। किसान मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ हुआ, राहुल गांधी की जो घोषणा थी उन्होंने सरकार बनते से ही वहां पर 8 दिन के अंदर लागू करा दी। आज 55 लाख किसानों को फायदा हुआ। मैं आलमगीर साहब को लेते 8 लाख किसान है। मैं माननीय आरके सिंह जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप राहुल गांधी को कहे कि झारखंड के अंदर भी किसान चाहते हैं कर्जा माफ। यहाँ पर भी गरीबी है, भुखमरी से मर रहे हैं। प्रदेश में मेरे खाते हिंदुस्तान के अंदर एक ही ऐसा प्रदेश होगा जहां पर भुखमरी भारतीय जनता पार्टी ध्यान नहीं देती। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा यहाँ पर किसान लोग आए कि भाई हाल चाल करके बताओ कितने लोग किसान लोग है। तो आप लोग चाहते हैं किसान का कर्जा माफ हो, जोर से होना चाहिए। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा माननीय हरप्रीत सिंह जी से कि आप राहुल जी से अनुरोध करें कि झारखंड का कर्जा भी माफ हो और किसान को फायदा हो। ये आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा इस मंच से। बातें कही है लेकिन मैं एक और कहना चाहता हूं कि यहाँ पर टाइगर बहुत सारे हो गए, जगह जगह घूमने लग गए टाइगर, तो कुछ टाइगर आदमखोर हो गए हैं। आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, वन मंत्री हो आप, बोलते सबको जंगल में ले जाओ, टाइगर होगा। जय हिंद, जय भारत।